अपनी मनपसंद मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा फिल्मी को और बेल आइकन को दबाएं। प्राइवेट जासूस आईएस जौहर उर्फ कन्हाई, फरमाइए आप कौन हैं और आपकी क्या कश्मकश है? वाह जौहर साहब, आप ही पूछ रहे हैं क्या कश्मकश है। आपकी जासूसी की तो हमने ये तारीफ सुनी है कि आप फोन पे न सिर्फ आदमी को बल्कि उसकी कश्मकश को भी जान लेते हैं। तो फिर सुनिए, आप एक हिंदी अखबार के रिपोर्टर हैं, राइट? राइट बाय गॉड, मगर आपको कैसे पता चला? आपके पीछे जो प्रेस है उसकी आवाज से पता चला कि आप अखबार के दफ्तर से बोल रहे हैं। लेकिन ये कैसे पता चला कि मैं रिपोर्टर हूँ? एडिटर भी हो सकता था। एडिटर लोग अलग कमरे में बैठते हैं जहाँ प्रेस की आवाज नहीं आती। वेरी गुड, मगर ये कैसे पता चला कि हिंदी अखबार है? हाउ डू नो दैट? क्योंकि आप अंग्रेजी भी हिंदी की तरह बोलते हैं। वंडरफुल, ये कैसे जाना आपने? और बताऊं, और ये कि आप खड़े होकर फोन कर रहे हैं और आपके मुंह में सिगरेट है। आप खड़े हैं इस तरह जाना कि आपकी आवाज कट कट कर आ रही है, जो कि फोन का तार खिंच जाने से कटती है, और फोन का तार आपके खड़े होने से खिंच रहा है। राइट। और आपके मुंह में सिगरेट है, ये इस तरह पता लगा कि सिगरेट को होंठों में दबाने से आपकी आवाज भी दबी दबी आ रही है। अब आपने सिगरेट फेंक दिया है। राइट। अच्छा, अब ये बताइए कि मैंने आपको फोन क्यों किया है? आप अखबार के लिए मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, क्योंकि आज ही एक लाल रंग के लफाफे में एक लाल रंग का खत आया है जो आपके किसी अखबार पढ़ने वाले ने लिखा है, और जिसने रिक्वेस्ट की है कि जौहर जैसे मशहूर प्राइवेट जासूस की इंटरव्यू छापी जाए। कमाल है जौहर साहब, लिफाफे को देखकर मजबूत भाप देने वाले तो बहुत सुने थे, मगर बगैर देखे हुए लिफाफे का रंग जानने वाले आज ही मिले। अच्छा, आपको लिफाफे का रंग कैसे मालूम हुआ? रिपोर्टर साहब, आपको अपने सारे बिजनेस सीक्रेट एक दफा ही कैसे बता दूं? आप इंटरव्यू के लिए मिलिए, फिर दिल की बातें होंगी। हाँ देखा मिस्टर मोती, ऐसे अपनी पब्लिसिटी की जाती है। इस बेवकूफ रिपोर्टर को इतना भी समझ नहीं आया कि वो लाल रंग का खत लिखने वाला मैं खुद ही तो हूँ। अरे यार मोती, ये तो रही इनकी जाती पब्लिसिटी की कश्मकश। ये साहब काफी दिलचस्प हैं। देखिए इनकी जिंदगी में क्या कश्मकश है, आइए इनका पीछा करें। देखें तो इनकी जिंदगी की कश्मकश क्या है। थैंक यू फॉर द लिफ्ट, कल 10 बजे आना, भूलना नहीं। बोलो, कल भी तुम्हारी गाड़ी गैराज से नहीं आएगी क्या? शायद परसों भी नहीं। देख दोस्त, मेरी गाड़ी और तुम्हारी बीवी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं। मेरी गाड़ी साल में 3 महीने अपने मायके यानी गैरेज में रहती है, और तुम्हारी बीवी साल में 3 महीने अपने मायके। करेक्ट? नॉट करेक्ट। क्यों? आज तुम्हारी भाभी वापस आ रही। अरे कांग्रेचुलेशंस, आज शाम को मैं आ रहा हूँ। यार आज भी बोर करना जरूरी है? अरे आज तो बहुत ही जरूरी है। आओ मर गया। बाय बाय फॉर द टाइम बीइंग। नीतू, अच्छा तू हॉस्टल से कब आई? कैसी है तू? अच्छी हूँ भैया, आप ही का इंतजार कर रही थी। मेरा या अपनी भाभी का? भाभी का इंतजार आप ही कीजिए, वो नहीं आ रही, उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही। रामा देखो, ये 80 साल की बुढ़िया की बीमारी क्या? ये तो हमेशा की बीमारी है। मैं जानती हूँ भैया, ये सब ना आने का बहाना है,
अगर मुझे मालूम होता तो मैं हॉस्टल से वापस आती ही नहीं। अरे तुझे क्या हुआ? बीवी मेरी नहीं आ रही है और उदास तू हो रही है हुँ? लेकिन भैया मुझे भाभी से कुछ जरूरी बातें करनी थी। भाभी से नहीं तो अपने भैया से कह ले। नहीं नहीं भैया से नहीं। ऐसी कौन सी बात है जो अपने भैया से नहीं कह सकती? हाँ वो क्या बात है? कोई लड़का उड़का ढूंढ लिया क्या? कहा ना आपसे नहीं कह सकती, भाभी से कहूंगी। कॉलेज जाके बहुत तेज हो गए। हाँ कौन है वो? भैया बहुत अच्छे, जब आप उनसे मिलेंगे ना। मिलेंगे, देखेंगे और इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेंगे? तू क्या समझती है कि वो तुझ जैसी प्यारी बहन का हाथ इंटरव्यू दिए बगैर ही ले जाएगा? भैया आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा मैं चलूं, हॉस्टल के लिए बहुत देर हो गई है। चाय वाय नहीं पिएगी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा जा, बाय बाय। खाने के लिए मैं भी तो होटल में गया था ना। गेट आउट, गेट आउट। क्या बात है, हर दोस्त को आते ही गेट आउट कर रहा? यस गेट आउट। मैं? यस यू। भाभी, भाभी, ये मुझे गेट आउट कर रहा है। भाभी क्यों बड़ा फाड़ रहा है? तेरी भाभी ने मुझे तलाक दे दिया। तलाक दे दिया? टेलीग्राम आया है कि माँ बीमार है और कुछ दिन के लिए नहीं आ सकेगी। वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तुमने। देखो दोस्त, ऐसा सुनहरा मौका हस्बैंड के लाइफ में बार बार नहीं आता। सुन, कुछ दिन के लिए बीबी को भूल जा और तुझे याद करो। हाँ हाँ मुझे याद करो। अरे देखो, मुझे खिदमत करने का मौका दो, मेरे साथ पार्टी में चल, ऐश कर ऐश। यार बोल मत कर, तुझे तो हर वक्त मजाक सोचता है। या ना खाना ठीक तरह मिलता है, ना रात को ठीक से सोने मिलता है। जब बीवी घर में ना हो तो दोस्त के नक्शे कदम पे चलो, पार्टी अटेंड करो, गुलछरे उड़ाओ, मौज करो। नतीजा ये कि तुम बाहर और बेबी मायके से घर। क्या ख्याल है? I think you're right, man. समझती क्या है? टेलीग्राम दे दिया, माँ बीमार है, नहीं आ सकूंगी। खाना खिलाएगा? खाना? दोस्त ऐसा बढ़िया खाना खिलाता हूँ कि जिंदगी भर याद रखोगे। 36, 24 and again 36। प्यार तुझे ऐसा करूंगी सनम, किसी ने तब तक किया।
प्यार प्यार तुझे ऐसा करूंगी सनम, प्यार तुझे ऐसा करूंगी सनम, किसी ने तब तक किया होगा जाम जिंदगी का पिलाऊंगी वो, जाम जिंदगी का पिलाऊंगी वो, किसी ने तब तक किया होगा प्यार तुझे ऐसा करूंगी सनम। मैडम। ओ जौहर साहब। आईएस जौहर उर्फ कन्हाई। आप कितने नाम बदलते रहते हैं? आप भी तो कितने बॉयफ्रेंड्स बदलती रहती हैं। लेकिन आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? देखिए यूं तो पीछा करना मेरा पेशा है, मगर आप जैसों का पीछा करना मेरा नशा है। आपका नाम मेरे बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट में नहीं है। लेकिन आपके एक बॉयफ्रेंड का नाम मेरी लिस्ट में है जो आपका पीछा कर रहा है। कौन? जॉनी। जॉनी? लेकिन लेकिन वो तो जेल में था। अब नहीं। प्लीज प्लीज आप मुझे उसे बचाइए, वो मेरी जान लेके रहेगा। देखिए जान लेना और जान देना तो भगवान का काम है, ना भगवान मेरे काम में दखल देता है और ना ही मैं भगवान के काम में दखल देता हूँ। हाँ इतना बताइए आज रात आप फ्री हैं? जी हाँ। मगर अफसोस तो ये है कि आज रात मैं फ्री नहीं। क्यों मोती? जाने? जी हाँ जाने, 100% जाने, सर से पांव तक जाने। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, जेल में रहकर अगर जॉनी तुम्हारे सब जुर्म सह सकता है तो जेल से आने के बाद तुम्हारे सब जुर्म माफ भी कर सकता है। कौन से जुर्म के लिए मुझे माफ किया जा रहा है, आखिर मैं भी तो सुनूं। जॉनी से नजरें चुराने के लिए और दूसरों से दिल लगाने के लिए। नजरें चुराना तो तुम्हारी आदत है जॉनी, और दिल लगाना मेरे सभी चाहने वालों की, जिनकी गलत फहमी का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैं किसी की जरखरीज गुलाम नहीं हूँ। तुम्हारी यही अदा तो मुझे पसंद है, इसीलिए तो आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, मेरे पास फिजूल बातों के लिए वक्त नहीं। मेरे पास भी नहीं। लेकिन सपना मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या तुम अब भी मेरी हो? मैं किसी की नहीं। सपना, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन झूठ नहीं। अगर मुझसे उलझने की कोशिश करोगी ना तो ये चाकू तुम्हारे सीने के पार होगा। मैं किसी से उलझना नहीं चाहती, तुम्हारे जैसे जेल काटे हुए कैदी से मेरा कोई रिश्ता नहीं। चले जाओ यहां से। जेल काटा हुआ कैदी एक बाजारू औरत से हजार गुना अच्छा होता है। तो क्या यहाँ तुम बाजारू औरत को चाकू की धार से सुधारने आए हो? नहीं, तुम्हें मारकर इस चाकू को मैं बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें माफ कर सकता हूँ। सपना अब भी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इज्जत से रखूंगा। मेरी आंखें खुल चुकी हैं जॉनी, अब तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। यू कैन गो फ्रॉम हियर। ठीक है सपना, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं तो मुझे भी इसका कोई गम नहीं, लेकिन ये जान लो अगर वो जगह किसी और ने ले ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इत्मीनान रखो जॉनी, वो बुरा दिन कभी नहीं आएगा। तो सुन लो सपना, जॉनी जब वार करेगा तो उसका वार कभी खाली नहीं जाएगा। क्या बात है दोस्त, लगता है तीर ठीक निशाने पे पहुंचा है। हुँ? अभी तक उसी धुन में मगन हो? कुछ भी कह लो प्यारे, उस लड़की का नाच देखकर मजा आ गया। नाच देखकर या नाचने वाली देख, अरे बड़े छुपे रुस्तुम निकले दोस्त, आज अपना
असली रूप दिखा रहे हो। आखिर तूने मुझे समझ क्या रखा है? मैं भी इंसान हूं, कोई बाल ब्रह्मचारी तो नहीं। हाँ, करेक्ट, हियर लाइज द पॉइंट। आखिर विश्वामित्र मेनका का डांस देखकर फ्लोर हो गए थे और ये अपने सपना मॉडर्न मेनका है, मॉडर्न। उस लड़की में बात जरूर है। बात कही तूने, तेरी कसम दोस्त, अगर इस वक्त मेरी बीवी मायके रहती ना, मैं तुम्हें स्ट्रेट वे सपना के घर ले जाता। ए, मुझे और बिगाड़ने की कोशिश मत करो। ये लो दोस्त, पहले दुनिया देख लो, बाद में तोबा कर लेना। एक काम करो, मैं तुम्हें सपना का टेलीफोन नंबर दे देता हूं, मेरा इंट्रोडक्शन दे देना और चले जाना। ये लो। मिस्टर मनमोहन। यस। आप ये कार्ड अपने जेब में रखिए और यहाँ से रफू चक्कर हो जाइए। हाँ जाता हूँ भाई, जाता हूँ, लेकिन ये कार्ड यहाँ छोड़े जाता हूँ, कभी काम आ जाएगा, अकेले हो ना आजकल। गेट आउट। अरे अरे, कैसा दोस्त है यार तू, इतना अच्छा डांस दिखाया, थैंक्स नहीं देगा? मन, अब तू जाएगा नहीं जाएगा? ओके, गेट आउट, गुड नाइट। तुझे ऐसा करूंगी सनम, प्यार तुझे ऐसा करूंगी सनम, किसी ने नाक्त दिया होगा, जाम जिंदगी का पिलाऊंगी वो, जाम जिंदगी का पिलाऊंगी वो, किसी ने नाक्त दिया होगा, प्यार तुझे ऐसा करूंगी सनम। के जा रही हूं, इसलिए कुछ परेशान होना, थोड़े ही दिनों की तो बात है, बस गई और आई। जाना जरूरी है क्या? समझने की कोशिश करो सतीश, कुछ दिनों के लिए हम एक दूसरे से दूर रहेंगे तो हमारे बीच एक तड़प पैदा होगी, तुम खत लिखोगे, मैं खत लिखूंगी, हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हो जाएंगे, और फिर जब मैं वापस आऊंगी तो हमारी जिंदगी में एक नयापन होगा। ये सब तो ठीक है सीता, लेकिन तुम्हारे बगैर मैं इतने दिन रह कैसे सकूंगा? ये जो बुरी आदतें तुमने डाल रखी हैं, उनका क्या होगा? मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, लॉन्ड्री से सारे कपड़े धुला कर रख दिए हैं, किचन में चीनी कॉफी जेली जैम सब है, और बाकी खाने की चीजें मैंने फ्रिज में रख दी है। बस तुम ये समझती हो कि इन चीजों से मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी? सीधा, तुमने कभी ये भी सोचा है कि मेरी तन्हाइयों का क्या होगा? तो क्या मुझे तुम्हारे लिए एक सौतन का भी इंतजाम करना पड़ेगा? हुँ? 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 हुँ?
जितना जरूरी मन का मिलन तन का मिलन उतना ही जरूरी। जितना जरूरी मन का मिलन तन का मिलन उतना ही जरूरी। एक पल जुदा न रहना क्यों क्या हो जाएगा। एक पल जुदा न रहना मुश्किल जुदाई सहना। कदम बहक जाए कितनी भी ठीक नहीं दूरी। जितना जरूरी मन का मिलन तन का मिलन उतना ही जरूरी। नस नस में होके दूर रहेगा न दिल ये मेरा मेरे बस में। चाचा बंद गई तुमसे डोरी और तुम ही मेरी कमजोरी। बंद गई तुमसे डोरी और तुम ही मेरी कमजोरी। ऐसे न तरसाओ प्यास करो पूरी। जितना जरूरी मन का मिलन तन का मिलन उतना ही जरूरी। अधूरा अधूरा कैसे दो बदन मिले जब तभी प्यार होता है पूरा। कुछ भी नहीं मैं तुझ बिन और कुछ भी नहीं तू मुझ बिन। कुछ भी नहीं मैं तुझ बिन और कुछ भी नहीं तू मुझ बिन। ऐसे न तरसाओ प्यास करो पूरी। आउच! मिस्टर सतीश मैं सपना बोल रही हूँ। आप लेकिन आपको मेरा नाम और नंबर किसने बताया? ये भी खूब रही। भला मेजबान को मेहमान का नाम नहीं मालूम होगा तो और किसे होगा? मैं समझा नहीं। अरे साहब उधर आपका दिल धड़का और इधर हमें पता चल गया। कभी कभी यारों का हाल अक्सर यारी कह दिया करते हैं। अब समझा। शायद मनमोहन ने आपको बताया होगा। यूं ही समझ लीजिए। मगर आप तशरीफ तो ले आइए। मगर मुझे आपका पता नहीं मालूम। 4A ब्यूटी चैम्बर क्लाइव रूट। घबराइए नहीं, ये सिर्फ भौंकने वालों में से है, काटने वालों में से नहीं, और दोस्ती हो जाने पर चाटने वालों में से भी है।
सुनिए, मैंने तो जो कहना था कह दिया, अब आपको कुछ नहीं कहना? मुझे कुछ नहीं कहना है। रुक क्यों गए? लोग तो ये सीढ़ियां उतरते वक्त खोए हुए होते हैं, आप चढ़ते वक्त ही खोए हुए हैं। आपसे मतलब? मतलब ही हूं, इसलिए तो पूछ रहा हूं, आपकी मंजिल कौन सी है? मैं अपनी मंजिल अच्छी तरह जानता हूं। मानता हूं आपको, आप दुनिया में एक इंसान है जो अपनी मंजिल जानता है। मोती, जितना ज्यादा इंसानों को देखता जा रहा हूं उतना ही ज्यादा तेरे से प्यार होता जा रहा है। आइए। बहुत देर कर दी आते आते। वैसे भी इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी होती हैं। तशरीफ लाइए ना। लेकिन आप हैं कहां? आप ही के दिल में। वैसे यहाँ घबराने और शर्माने की कोई बात नहीं। जी मैं घबरा नहीं रहा हूं, दरअसल बात यह है कि ये मेरा पहला तजुर्बा है। लेकिन आखिरी तो नहीं। आइए ना, आइए आइए ना, आगे बढ़िए और आगे, बिल्कुल सीधे चले आइए। अरे आप रुक क्यों गए? आइए ना। ली पर्दा हटाइए। फूल के लिए शुक्रिया। जी एक फूल को पाने के लिए दूसरे फूल का सहारा लेना पड़ा। तो जरा सहारा दीजिए। देखिए जनाब, हाथ ही इधर लाइएगा, निगाह जरा दूसरी तरफ। कहिए। पीएंगे आप? क्या कुछ पीना जरूरी है? यूं तो जीना भी जरूरी नहीं, लेकिन हम जीते हैं, कुछ तो लीजिए ना। बड़ी खूबसूरत जिद है आपकी। जिद इसलिए कि शराब का पहला जाम शर्म जरा कम कर देता है और आखिरी जाम बेशर्म बना देता है। लाइए एक दीजिए। ये हुई ना कोई बात, पानी मिलाऊं या सोडा? नजर मिला के दीजिए। जी कुछ नहीं। लगता है आप शादीशुदा हैं? जी हाँ। और आपकी बीवी इस वक्त यहां नहीं है? आपको कैसे मालूम हुआ? वरना आप यहां क्यों आते? खैर छोड़िए इन बातों को, आप कब से इस लाइन में हैं? मुझे सुधारने के लिए लेक्चर में शुरू कीजिए, मैं जिस हाल में हूँ खुश हूँ, और अपनी खुशी बांटना मेरा पेशा है। बड़ी प्यारी बातें करती हैं आप। प्यार का दुकानदार अगर प्यारी बातें न करे
तो भूखा मर जाए। जब जी चाहे अंदर आ जाइएगा। कश्मकश छोड़ दे, दिल से दिल जोड़ दे। जैसी आपकी मर्जी। मुश्किल से मिलता है मौका, आप बातें बहुत हो चुकी, अब खामोशी को भी कुछ कहने दीजिए ना। इतनी रात के? कहीं से भी नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ? तुमने मनमोहन को टेलीफोन किया था क्या?
ऐसे क्या देख रही हो? क्या तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आता? यकीन नहीं करती हूँ, इसलिए तो पूछ रही हूँ, क्या किया तुमने जो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। For God's sake, leave me alone, damn it! साहब, क्या बात है? आप किससे बातें कर रहे हैं? Inspector Sena from Criminal Investigation Department. Satish Gupta, I presume? Ji haan, tashreef laiye. Aaiye. Baithiye. Thank you. जी कहिए। मेरे यहां आने का मकसद तो आप समझ ही गए होंगे सतीश साहब। जी मैं समझा नहीं। जी मुझे आने का हुक्म दिया गया है। जी हाँ, जब कल रात तो बारिश हो रही थी। हाँ हाँ, वरना यह शुभ काम कल रात ही हो गया होता। मैं मतलब नहीं समझा। आप अभी भी नहीं समझे? देखिए, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं, मुझे कब क्यों और कहां क्या करना चाहिए अच्छी तरह मालूम है। सतीश साहब, मेरे आने से आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, या फिर कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं तो आपने मुझे नहीं बुलाया। मैंने आपको, यानी मुझसे झूठ कहा रितु ने? रितु? तो आप ही वो साहबजादे हैं जो रितु से शादी करना चाहते हैं? सिर्फ मैं नहीं, रितु भी मुझसे शादी करना चाहती है। भाई मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इस पुलिस यूनिफॉर्म में देख के बिल्कुल ही घबरा गया। वैसे सीआईडी ऑफिसर होने के नाते हमें यूनिफॉर्म पहनना तो नहीं पड़ता है, लेकिन आज ऐसे ही कुछ खास बात थी कि पहनना पड़ा। यूनिफॉर्म में उतार भी सकता था, लेकिन सोचा इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं तो पूरी तरह से तैयार होकर जाना चाहिए। क्या ख्याल आपका? वैसे अब आप मुझसे जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। बड़ी पाजी है रितु, तुम्हें सब कुछ बता दिया। भाई माफ करना, मैं तो उसे मजाक कर रहा था। भाई साहब, मगर मैं तो बिल्कुल सीरियस हूं। आदमी दिलचस्प मालूम होते हो। खैर छोड़ो इन बातों को, आप बैठो, बताओ क्या पियोगे? इस वक्त कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पियूंगा। जब भाभी जी आ जाएंगे तो उनके हाथों का खाना खाने जरूर आऊंगा। अभी तो मुझे सिर्फ इजाजत दीजिए। आप कहीं तकल्लुफ तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ड्यूटी से ही फुर्सत नहीं मिलती, तकल्लुफ के लिए टाइम कहाँ है। वैसे भाई साहब, अब आप भी बेतकल्लुफ होकर मेरे इंटरव्यू का रिजल्ट तो बता दीजिए। इंटरव्यू का रिजल्ट खाक बताएं, मामला सारा उल्टा हो गया। क्या हो गया भाई? हम लड़की वाले हैं, हमें आपके पास आना चाहिए। बारात लेकर तो हमें ही आना पड़ेगा ना। इंस्पेक्टर सिन्हा, अगर इंटरव्यू में पास हो गए तो गुड डे इंस्पेक्टर, बाय। Thank you. साहब, क्या वो साहब चले गए? हाँ, क्यों? जी उनके लिए मैं चाय और नाश्ता बनाकर लाया था। टेबल पे रख दो। साहब,
आज का पेपर। आप कौन है? सपना। सपना? सपना तो कल रात कत्ल कर दी गई। जानता हूं, मगर इंस्पेक्टर साहब एक मिनट के लिए फर्ज कीजिए कि मैं सपना हूं और आप कातिल हैं, तो आप मेरा कत्ल किस तरह करेंगे? जरा कीजिए तो। आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अगर हर बात पुलिस के समझ में इतनी जल्दी आ जाए तो दुनिया के सारे कातिल पकड़ने चाहिए। देखो मिस्टर, मैं ना मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ। अभी उसी के लिए आया हूँ। तुम कौन हो? मैं मामूली सा एक समझे के प्राइवेट डिटेक्टिव। प्राइवेट डिटेक्टिव? डिटेक्टिव गिरी करना हो तो अपने घर जाके करो, पुलिस के काम में दखल मत दो। मैं दखल नहीं दे रहा, मदद दे रहा हूँ। आपको मालूम है कि हर कातिल एक बार कत्ल की जगह लौटकर जरूर आता है। इस हिसाब से तो तुम भी कातिल हो सकते हो। जी हाँ, और आप भी। मैं कैसे? मैं तो पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मेरी यूनिफॉर्म नहीं देख रहे हो? तो फिर तो आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान में पिछले साल 121 बदमाशों ने पुलिस का भेष बदलकर लोगों को धोखा दिया। मैं असल इंस्पेक्टर हूँ, ये देखो मेरा आइडेंटिटी कार्ड। ऐसे आइडेंटिटी कार्ड उन 121 बदमाशों के पास भी थे। देखो मिस्टर, मैं तुम्हें जेल के अंदर करवा दूंगा। हाँ, ये ताकत तो यूनिफॉर्म में जरूर है, इसलिए मेरे ख्याल में आप अंदर रहिए, मैं बाहर जाता हूँ। आदाब। काम हमारा करने ये चले आए। इडियट। टेलीफोन। हाथ मत लगाना। ठहरो, हाथ मत लगाओ बोला। हेलो, इंस्पेक्टर आशीष सेन स्पीकिंग। हेलो हेलो। अच्छा, कट कर दिया। हेड ऑफिस से पता लगाओ अभी कहाँ से फोन हुआ था। बहुत अच्छा सर। कुछ गड़बड़ लगती है। यस, पुट दिस कॉल टू मिस मल्होत्रा प्लीज। थैंक यू। क्यों रे, कल रात तो सपना के फ्लैट में गया था। कौन सपना? बंद मत यार, कल तो सपना के लिए दीवाने बन रहे थे और आज पूछते हो कौन सपना। प्यारे, रात गई बात गई, अब जहां तक मेरा ख्याल है तुम अगर सपना को अपने दिमाग से निकाल दो तो अच्छा है। क्यों? फेमस कैबरेट डांसर सपना मर्डर्स। पुलिस। एक्सक्यूज मी, क्या आपके यहां से किसी ने 362436 पे थोड़ी देर पहले फोन किया था? यस। थैंक यू। ये तो हमारे तरफ आ रहा है। एक्सक्यूज मी, क्या आप में से किसी ने 362436 पर फोन किया था? मैंने नहीं किया था। हाँ, ये 364 ये किसका नंबर है जी? क्या ये मुझे को बोलना पड़ेगा? झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए। अगर इस नंबर पर नहीं किया था तो किस नंबर पर किया था? किस नंबर? हाँ, मैंने मेरे बीबी को फोन किया था। वाइफ। एक घंटा पहले आपके हस्बैंड ने आपको टेलीफोन किया था? नहीं तो क्या बात है,
एक घंटे के पहले मैंने तुम्हें टेलीफोन किया था और टेलीफोन में मैंने तुम्हें हेलो डार्लिंग और जवाब में तुमने हेलो डियर। किसे उल्लू बना रहे हो? तीन महीने से बिल नहीं भरा, टेलीफोन वाले सुबह ही आके टेलीफोन काट गए। आप मुझसे गलत बयानी कर रहे थे। जी मैं तो आपने मजाक। चार दिन ससुराल में बंद रहोगे तो सब मजाक भूल जाओगे, आइंदा झूठ बोला तो जमानत का बंदोबस्त करके रखना, समझे मिस्टर? अपने ए मिस्टर। यस मिसेस। पुलिस को तो झूठ बता दिया, अब मुझे सच सच बताओ कौन से फुलझड़ी को टेलीफोन किया था? फुलझड़ी? कमाल करती हो, मुझे क्या तुम फ्लर्ट समझती हो? अरे मेरे जैसा अच्छा हस्बैंड तुम्हें कहाँ मिलेगा? देखो मैं तो दिन रात तुम्हारी पूजा करते रहता हूँ। रानी 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 दिन भर तो ऑफिस में रहते हो, रात को घर से गायब, किसकी पूजा करते हो? वो कभी कभी रात को अपना ओवरटाइम करना पड़ता है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कभी मेरे लिए भी टाइम निकाला करो, मैं भी तो जवान हूँ। माना कि तुम जवान हो, खूबसूरत हो, मोटी हो, मगर अपने आप को समझती क्या हो हैं? लंबू जी, तुम अपने आप को क्या समझते हो? लंबू जी खामोश, चमक छल्लो। अच्छा तो ये बात है? हाँ 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 ये बात है। मेरे पीछे है दीवाने, पागल होंगे। मेरे पीछे है दीवाने, आगे आगे मस्ताने, मुझे देख के दिल को हारे, प्यार के मारे गई फवारे। तो भी एक दिन आएगा पलट। अरे हाँ 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 हाँ, मेरे पीछे है दीवाने, आगे आगे मस्ताने, मुझे देख के दिल को हारे, प्यार के मारे गई फवारे। तो भी एक दिन आएगा पलट। अरे हाँ चाचा, ना तो इतनी अकड़, क्यों क्यों ना तो इतनी अकड़, चल रास्ता पकड़, कोई और ढूंढ ले जानी, सुन दीवानी ओ महारानी, जा चली जा चुपके 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 चुपके। तेरे जैसे ब्रह्मचारी, मेरे प्यार के पुजारी, मेरी गलियों में डाले तेरे पीछे मेरे शाम सवेरे। तू भी आएगा आज या कल? अरे चल जा जा, ना तो इतनी अकड़, चल रास्ता पकड़, कोई और ढूंढ ले जानी, सुन दीवानी ओ महारानी, जा चली जा चुपके चुपके। तू शोर जो करेगी तो लूंगा तेरी तलाशी, तू शोर जो करेगी तो लूंगा तेरी तलाशी, सुन की है दिल की चोरी, सुन मेरी भीम पलासी। हाँ, मारूंगी हाँ। मुझे गुस्सा न दिला, क्या करेगा मुझे गुस्सा न दिला, मुझे और न जला, क्यों डाले प्यार की डोरी मुझ पे गोरी बन के चकोरी, किसी और से आंख लड़ा। अरे वाह, अरे जा, मेरे पीछे है दीवाने, आगे आगे मस्ताने, मुझे देख के दिल को हारे, प्यार के मारे गई तवारे। तू भी एक दिन आएगा पलट। अरे काट। Yeah!
अपना ही जानो। जान लिया बाबा। फिर कहना मेरा मानो, फिर अपना ही जानो। फिर मुझे भी अपना जानो और पहचानो मेरी मानो। मेरे तुम ही हो मन के मंदिर, मेरे तुम ही हो मन के मंदिर। चल हो जा अंदर अंदर अंदर। सर सुना, मैंने तुम्हें एक जरूरी काम के लिए बुलाया। ये होटलों में नाचने वाली लड़कियां हमारे मुल्क के लिए प्रॉब्लम बन रही है। सपना मर्डर केस ने इस प्रॉब्लम को और भी अहम बना दिया है। होम मिनिस्ट्री से इंक्वायरी आई है कि हम इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं। सर हम कर भी क्या सकते हैं, कानून की नजर से बचने के लिए इन लड़कियों ने दर्जनों तरीके निकाल लिए हैं। सो कॉल्ड मॉडलिंग एजेंसी, कैमरा एंगेजमेंट्स, डांसिंग स्कूल्स वगैरह वगैरह। बट दे आर ए कर्स ऑन अवर सोसाइटी, समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। लेकिन समाज ने ही उन्हें पेशा अपनाने के लिए मजबूर किया है। हो सकता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए ये लड़कियां हजारों नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर रही। हमारी रिपोर्ट्स तो ये कहती है कि वहां नौजवानों से ज्यादा शादीशुदा लोगों की भीड़ रहती है, क्योंकि शादीशुदा लोग ये पाप करना अपना हक समझते हैं। आजकल तो वहां जाना फैशन में शामिल हो गया सर। हाँ, लेकिन सपना मर्डर केस की तहकीकात कौन कर रहा है? ये केस तो इंस्पेक्टर सेन के पास है सर। सिन्हा, हम चाहते हैं कि इस केस की तहकीकात तुम भी करो। इतना इंपॉर्टेंट केस हम एक आदमी के हाथ में नहीं देना चाहते। टू ब्रेन्स आर बेटर देन वन। सर मैं आपका हुक्म टाल तो नहीं सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस केस की तहकीकात मैं अपने ढंग से करना चाहता हूं। जरूर करो। तो आप इजाजत दीजिए सर, मैं अपनी तहकीकात अब शुरू करता हूं। और मैं अपनी तहकीकात खत्म कर चुका हूं। कातिल के गिरफ्तार होते ही मैं अपनी नौकरी में ऊपर चला जाऊंगा। मगर कातिल भी तो अपनी हिफाजत पूरी कर चुका होगा, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो वो आपसे पहले ऊपर चला जाएगा। मैं उसके बाप को गिरफ्तार कर लूंगा मिस्टर प्राइवेट डिटेक्टिव। मिस्टर इंस्पेक्टर सेन, बाप को गिरफ्तार करना आसान है, मगर बेटे को गिरफ्तार करना मुश्किल। वो बेटा पुलिस से कहां भागेगा हा? अरे भाई, इस देश से कौन नहीं भागा? मंगोल भागे, तातार भागे, पोर्चुगीज भागे, और तो और ब्रिटिश भी भागे, और आजकल तो सब कुछ भाग रहा है। बाजार से चावल भागा, गेहूं भागा, तेल भागा, और तो और पेट्रोल भी भागा। मगर हम कहीं नहीं भागेगा। तुम तो मुजरम के पीछे भी नहीं भागेगा। अरे भाई, तुम कैसे नहीं भागेगा जब ये दुनिया है फानी मेरे जानी। जानी जोड़े। इंस्पेक्टर। हेलो इंस्पेक्टर, आज इधर कैसे आना हुआ? तुम और तुम्हारे कारनामों ने मुझे आने के लिए मजबूर किया है। क्या कर रहे हो? वही इंस्पेक्टर साहब जो हर रोज करता हूँ, एक बोतल शराब, एक साकी, खूबसूरत झील का किनारा और जॉनी। शायद जेल से लौटने की खुशी में पार्टी हो रही है। एतराज है आपको, या पार्टी देने के खिलाफ कोई कानून है? जॉनी, अब इंस्पेक्टर सिन्हा को कानून बताएगा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त तो मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा हूँ। ये शराब मैंने अपने परमिट पे खरीदी है, और ये साकी इसे मैं भगा कर नहीं लाया हूँ। बालिग है, अपनी मर्जी से आई है मेरे साथ। क्यों डार्लिंग? ऑफ कोर्स। शायद सपना भी अपनी ही मर्जी से तुम्हारे पास आई थी, लेकिन उसे अपनी मर्जी से वापस जाने के लिए दुनिया छोड़नी पड़ी। ख्याल बुरा नहीं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन इस बात का सबूत? सबूत तो मुझ पर छोड़ दो बेटा। तो फिर देरी किस बात की बाप, इतनी जल्दी भी किस बात की है? तुझे जेल भेजना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और फिर दाएं हाथ का खेल? दाहिना हाथ अगर पड़ गया तो दिन में तारे नजर आने लगेंगे बेटा। वैसे मैं दाहिने हाथ का इस्तेमाल तुझ जैसे चूहों पे नहीं करता हूं। बोल, उस रात कहां था जिस रात सपना का खून हुआ? तो इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो यह भी याद नहीं कि कल रात मैं कहां था। हाँ, इतना कह सकता हूं कि सपना के साथ नहीं था।
क्योंकि जानी हर रात एक ही सपना देखने का आदि नहीं है। कल सपना थी, आज रूबी है, इंस्पेक्टर यही अपनी खूबी है। और मेरी खूबी सपने देखना नहीं, हकीकत से टक्कर लेना है। सपना का खून एक हकीकत है, एक सच्चाई है। मैं यहां तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूं, अपने सवालों का जवाब चाहता हूं, बोल। इंस्पेक्टर, तुम बिना सबूत के जॉनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रूबी, कम ऑन, आई एम सिक ऑफ दिस प्लेस। मगर साले, तुझे नहीं मालूम कि तू अपने पीछे क्या सबूत छोड़ता चला आ रहा है। एग्जिबिट नंबर एक, गुलाब का फूल, वो भी बिना खुशबू का। एग्जिबिट नंबर दो, जूते का निशान, साइज नंबर 9, बाटा का। एग्जिबिट नंबर तीन, सिगरेट के टुकड़े 555 के। एग्जिबिट नंबर चार, शराब के गिलास पर उंगलियों के निशान। सबूत सभी मौजूद हैं, लेकिन खूनी फरार। आसामी मालदार, वरना सपना जैसी लड़की के चक्कर में न आता। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? राणा चौधरी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, हर जगह उसका रसूख है। माफ कीजिएगा सर, हमारे लिए सारे शहरी बराबर हैं, चाहे कोई भी हो। तुम्हें मालूम है कि इस बार की इलेक्शन में राणा चौधरी खड़ा हुआ है? ताज्जुब है सर, शहर के इतने बड़े लीडर के घर में कॉल गर्ल रहती थी। उन्होंने तो भलाई के लिए मकान दिया होगा, उन्हें क्या मालूम कि वहां कैसे लोग रहते हैं। सर, यही मालूम करने के लिए तो आपकी इजाजत चाहता हूं। देखो सिन्हा, वो लोग बहुत गहरे पानी की मछली है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो शायद तुम्हें नौकरी से हाथ धोने पड़े। अपने फर्ज के लिए अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़े तो सर मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। ओके देन, गुड लक। थैंक यू दोस्तों। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से बहुत से लोग ये तअज्जुब कर रहे हैं कि आज की महफिल यहां क्यों जमी हुई है। ये मैं अभी वाजिया की देता हूं। आपको ये सुन के खुशी होगी कि यह पार्टी इसलिए दी गई है कि मैं आपका तारुफ अपनी मंगेतर मिस लता से कराऊं। लता, आप अपने मेहमानों से मिलो। आप तो सिगरेट पीती नहीं, तो मैंने सोचा कि गुड लक टू यू राणा साहब। हाय। तुम? आपने प्लान करके फैमिली प्लानिंग तो कर ही लिया, तुम यहां क्यों आए हो? राणा साहब, मंगनी की लिस्ट में तो मेरा नाम नहीं था, मगर बरातियों की लिस्ट में लिखा कर ही जाऊंगा। देखो, तुम्हारा नाम न मंगनी की लिस्ट में था और ना ही बरातियों की लिस्ट में होगा। सोच लीजिए, आपको एक प्राइवेट डिटेक्टिव की जरूरत तो हमेशा रहती है। इस प्राइवेट पार्टी में मुझे प्राइवेट डिटेक्टिव की जरूरत नहीं। कल तक तो थी, आज नहीं, कल फिर हो सकती है। मेरा मतलब है राणा साहब, आप मेरा काम तो जानते ही हैं। हस्बैंड की शिकायत आती है कि उसके गैरहाजिरी में उसकी बीवी क्या कर रही है, और बीवी की शिकायत आती है उसके गैरहाजिरी में उसका हस्बैंड क्या कर रहा है। यहाँ तो हस्बैंड और बीवी दोनों मौजूद हैं। आप अपनी मंगेतर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? उसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, मगर वो आपके बारे में सब कुछ नहीं जानती। शट अप। ये जब से गरीबी हटाओ का नारा चला है, अमीरों ने अपना नारा शट अप बना लिया है। ड्रिंक प्लीज सर। थैंक यू मैडम। प्लीज कीप द बॉटल। थैंक यू। ड्रिंक सर। थैंक यू। मेरी बीवी कहाँ है? हिलटॉप होटल में देसाई के साथ। देसाई की बीवी? ताज होटल में गुप्ता के साथ। गुप्ता की बीवी? खुदा के होटल में
न जाने किसके साथ। ठीक है ठीक है, कल ऑफिस में आके चेक ले जाना। मैं घर आकर कैश ले जाऊंगा। ओ, ये आपके पास भी है? आई एम फ्रॉम द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। यानी आप सरकारी जासूस हैं? बिल्कुल। आप? मैं तो सिर्फ दरकारी जासूस हूँ। मतलब? मतलब ये साहब कि आप तो खून होने के बाद पहुँचते हैं और मैं खून होने से पहले पहुँच जाता हूँ। आप यहाँ भी पहले पहुँचे हैं? जी हाँ। क्या आज यहाँ भी किसी का खून होने वाला है? मौत कभी पूछ कर आती है साहब? आती है साहब, अगर आदमी फांसी के तख्ते पे चढ़ता है तो। राणा चौधरी कौन है? वाइन ड्रिंक? जी नहीं, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, आप बताइए, ऐसी कौन सी बात थी जो आप पार्टी में नहीं कह सके? आप एक खूनी की तलाश में सरकार की मदद कर सकते हैं। खूनी की तलाश में? जी हाँ, मैं सपना मर्डर केस की बात कर रहा हूं जो आपके ही फ्लैट में हुआ था। सपना मेरी किराएदार थी और मैं अपने किराएदारों की प्राइवेट जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन वो सिर्फ आपके किराएदार ही नहीं थी। What do you mean? पुलिस को यह बात अच्छी तरह से मालूम हो चुकी है राणा साहब कि वो आपकी रखेल थी और वो फ्लैट आपने ही उसे रहने के लिए किराए पर दिया था। Nonsense! मैंने बहुत से लोगों को फ्लैट दे रखे हैं लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि मेरा उनके साथ जाती ताल्लुक है। बहरहाल, जहां तक लोगों की हिफाजत का ताल्लुक है वो आपका काम है। वही तो कर रहा हूं मैं। तो करते रहिए। जॉनी पॉल से क्या रिश्ता है आपका? जॉनी पॉल? मैं किसी जॉनी पॉल को नहीं जानता। जरा आराम से सोचिएगा हुजूर, शायद कोई रिश्तेदारी निकल आए। जॉनी पॉल? सारी दुनिया ही अपनी दुश्मन है। तुम्हारा दोस्त कोई नहीं है? क्यों नहीं? शराब साकी और पैसा। आओ आओ, अपनी किस्मत आजमा लो। Try your luck, my friend. Try your luck. कितना? 500। अभी देखो बेटा, रिंग लाओ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तुम्हारी तो चांदी चांदी है। उधर तुम जीत रहे हो और उधर तुम्हारी बहन राणा चौधरी का माल अंदर कर रही है। क्या? हाँ, उस बुड्ढे के बगल में बैठकर अपनी जवानी लुटा रही है। एक लफ्ज़ भी और निकाला तो तेरी जबान निकाल दूंगा साले। जलील कुत्ते, हमसे Hey!
बहुत थक गए होंगे आप सतीश साहब, तशरीफ रखिए। ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। बेशक, सिर्फ ये घर ही आपका नहीं, यहाँ हर चीज आपकी है। ये चाय नाश्ता आपका है, मैं आपका हूँ, यहाँ तक के ये मोती भी आपका है। क्यों मोती? साफ साफ बताओ, तुम चाहते क्या हो? सतीश साहब, अगर मुझ में साफ साफ कहने की हिम्मत होती तो मैं यहाँ चोरी चोरी क्यों आता? बकवास बंद करो। तो क्या शुरू करूं? लगता है मुझे ही शुरू करना पड़ेगा। सतीश बाबू, शुरू करना बहुत आसान होता है, मगर खत्म करना जरा मुश्किल। मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आए हो। आप जानते हैं कि मैं जानता हूं कि पुलिस आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती, मगर जो हम नहीं जानते और पुलिस भी नहीं जानती, अफसोस तो यह है कि वो सब कुछ ये मोती जानता है। क्यों मोती? और हजूर, ये तो आप जानते हैं कि मोती बेचारा एक छोटा सा जानवर है, और जानवर और इंसान का फर्क तो आप जानते हैं सरकार। पहले तो नहीं जानता था, लेकिन अब जान गया। और कोई धंधा नहीं मिला तुम्हें? धंधे तो बहुत मिलते हैं सतीश बाबू, मगर जो ब्लैकमेल के धंधे में मजा आता है ना, वो ना तो ब्लैक के धंधे में मजा आता है और ना ही मेल के धंधे में मजा आता है। क्यों मोती? और फिर 40-50 हजार रुपए की तो बात है सतीश बाबू, अपनी इज्जत के लिए ना सही, अपनी बीवी की इज्जत के लिए सही। कमीने, तूने मेरी बीवी का नाम लिया? गेट आउट वरना जान से मार डालूंगा। स्लो प्लीज, स्लो आउट, स्लो। तुम फिर? कम अज कम मेरा कुत्ता तो वापस दे दीजिए। डैम यू। ये लो। थैंक यू एंड गेट आउट। आजकल ब्लैकमेल के धंधे का भी कुछ ठिकाना नहीं रहा। सोचा था 50 हजार रुपया लेके जाऊंगा, शुक्र है अपना कुत्ता ही वापस लेके जा रहा हूं। चल बे कुत्ते। कुछ बना दूं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई साहब, तुम अपने तो ड्यूटी पीछा करना है, चाहे प्लेन में हो या ट्रेन में, मगर आप यहां क्या कर रहे हैं? गाड़ी खराब हो गई। अच्छा भाई साहब, मिल गए। मुझे आपको खुशखबरी देनी थी। क्या? सपना मर्डर केस की तहकीकात मैं कर रहा हूं, और अगर मैं उसमें कामयाब हो गया तो आई गेट ए वेरी बिग जंप। बेस्ट लक। थैंक यू। मगर कमाल की बात यह है भाई साहब कि सारे सबूत मेरी आंखों के सामने हैं, मगर मुजरिम हाथ नहीं आ रहा है। भाई देव, आप इतने परेशान क्यों हैं? गर्मी है। जी हाँ, वो तो है। लगता है भाभी अब तक वापस नहीं आई है। मैं स्टेशन आ गया। सुनिए सुनिए सुनिए, आपका पार्सल ही रह गया।
पाक दुनिया में दो ही जानवर तो भौंकते हैं, या कुत्ते या इंसान। इस वक्त ये कुत्ता भौंक रहा है। किससे पूछकर अंदर आए हो? हजूर, पूछकर अंदर तो नहीं आया, मगर अंदर जरूर कुछ पूछने आया। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या पूछने के लिए? हजूर, बैठ के बताऊं या के बता के बैठूं? जरा सोच के बोलिए। आसानी किस में रहेगी? सरकार पुलिस स्टेशन में आसानी तो किसी तरह भी नहीं हो सकती। हाँ, मगर मैं सपना के खूनी को पकड़वाने में आसानी कर सकता हूँ। क्या कहा? आप खड़े हो गए तो अब मैं बैठ जाता हूँ। पहले तो तुम कहते थे सपना के खूनी के बारे में तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। टाइम टाइम की बात है सरकार, उस वक्त कुछ मालूम नहीं था, अब मालूम है। तशरीफ रखिए। क्या मालूम है? सीधा बताऊं या उल्टा? क्या मतलब? आप जेब उल्टेंगे तो सीधे मेरे हाथ पे गिरेगा। पुलिस से रिश्वत मांगते हो? टाइम टाइम की बात है, मैं नहीं मांगता सरकार, मेरा कुत्ता मांगता है। बेचारा बेजबान है ना, इसलिए जबान मुझे खोलनी पड़ती है। पुलिस न किसी से रिश्वत लेती है न किसी को देती है, चाहे वो इंसान हो या कुत्ता। सरकार, पुलिस के दिमाग में हमेशा रिश्वत क्यों रहती है? मैं तो इनाम मांग रहा हूँ। ओ, इनाम? मगर इनाम के लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है। बेशक, काम देखिए। ये किसका कोट है? ये मिस्टर सतीश गुप्ता का कोट। लो, आई थिंक यू नीड इट। माशूक क्या चीज होती है ये आज मुझे पता चला। शायद यही लग, आपने एक दिन सपना से कहे होंगे। ओ डियर, सपना सपना, ओ डियर डियर, सपने और हकीकत में बहुत फर्क है। सपने टूटे रहते हैं, हकीकत नहीं। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए मैं ही जानती हूं कि मुझे क्या क्या करना पड़ा। अब डर लगता है कहीं मैं भी कल सपना न बन जाऊं। ओहो, तुम मेरी बीवी बनोगी? सच? तुम्हें शक है? मुझे नहीं, लेकिन पुलिस के शक में आई थी आपके पास। ये पूछ के क्या करोगी? सुना है बीवी और शौहर के दरमियान कोई राज नहीं होता। बेशक नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम ये ना पूछो तो बेहतर है। क्यों? पुलिस तुम्हारे भाई जॉनी के लिए आई थी। मेरे भाई के लिए? तो फिर ये सच है? क्या सच है? वही जो सारी दुनिया कह रही है, तुम राला चौधरी की रखेल हो, पैसे के लिए अपना जिस्म बेचती हो। तुम बकते हो, सारी दुनिया बकती है। उठाना मुझे भी आता है लता, लेकिन तुम इस थप्पड़ से दुनिया का मुंह बंद नहीं कर सकते। दुनिया का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा जब राणा साहब मुझसे शादी करेंगे। इस उम्र में रुपए की चमक ने तुम्हें अंधा कर दिया है लता। तुम इस आदमी से जितना दूर रहोगी उसी में तुम्हारी भलाई है। अगर वाकई मेरी भलाई चाहते हो तो मुझसे दूर रहो, पुलिस तुम्हारी तलाश में है। मेरी तलाश में? तो फिर पकड़ क्यों नहीं लेती मुझे पुलिस? मैं तो खुले आम घूमता हूं, शायद मेरे खिलाफ वो सबूत इकट्ठे कर रही होगी। रामू, मैम साहब साहब कहाँ तुम्हारे? टैंक में रह गई।
रायबरेली? जी हाँ साहब, रायबरेली में काम कर रहे हैं। रायबरेली में नहीं रामू, लाइब्रेरी में। हाँ मैम साहब, कोई मैं साहब के लिए गरम गरम चाय लेके जा रहा हूँ। वेरी गुड रामू, जय साहब। मैं चाय लेके जाती हूँ। हाँ रामू, रीतू बेबी का फोन आया तो कह देना साहब घर पर नहीं है। अच्छा जी, तो पुलिस वाले भी झूठ बोलते हैं। हाँ रीतू, तुम कब आई यहाँ? क्या ये सच है कि कुछ दिनों से तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो? इतना करीब आने के बाद भी अगर तो फिर इतने दिन मिले क्यों नहीं? अरे बाबा, दो दिन नहीं मिला तो क्या प्यार कम हो गया? किस कारण नहीं मिले? कारण है ना, तो बताते क्यों नहीं? बताने से तुम्हारी उलझन और बढ़ जाएगी। क्यों, ऐसी क्या बात है? किसी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया क्या तुमसे? रितु, किसी के कहने का तो मैं विश्वास करता ही नहीं हूँ, तुम अच्छी तरह जानती हो। बात तुम्हारी नहीं, तुम्हारे भाई साहब की है। मेरे भाई साहब की क्या बात है? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस केस की तहकीकात मैं कर रहा हूँ, लगता है तुम्हारे भाई साहब का उससे कुछ ताल्लुक है। मेरे भाई साहब का? हाँ। कैसा केस? सपना मर्डर केस। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। ए रितु, सच और झूठ का फैसला करना तो अदालत के हाथ में है, वहाँ हमारे और तुम्हारे जज्बातों की कोई कीमत नहीं, समझी? क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम मेरे भैया को बचाओ? अरे अरे, मेरा फर्ज है हर इंसान को झूठे इल्जाम से बचाना, लेकिन सच के सामने मैं लाचार हूँ। देखो रितु, मुझे गलत मत समझना, तुम मेरी मंगेतर हो, मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं और तुम्हारे प्यार में ही मजबूर होकर मैं ये सब कुछ कह रहा हूं। तो तुम मेरे भैया को बचाओगे ना? सतीश। सीता, तुम कब आई? मैं तो कब के आ गई, तुम कहां थे? मैं ऑफिस में था सीता। मैंने तो ऑफिस में फोन किया था, मन्नू ने कहा कि तुम वहां नहीं हो। मैं ऑफिस के काम से ही बाहर गया था, लेकिन न चिट्ठी न तार, कम से कम आने की खबर तो दी होती। अरे ये क्या, भूल गए? आज हमारी शादी की सालगिरह है। ओ, आशीर्वाद नहीं दोगे? मुबारक हो सीता। बस इतना ही? क्या यही सुनने के लिए मैं इतनी दूर से आई हूँ? तो क्या कोई प्रेजेंट चाहिए तुम्हें? क्या? सिर्फ तुम्हारा प्यार। माँ कैसी है सीता? अच्छी है। ये क्या कर रही हो? क्यों, कपड़े नहीं बदलोगे? कहीं जाना है क्या? नहीं तो मेरे सर में दर्द हो रहा है सीता। तो लेट जाओ, मैं बाम लगा देती हूँ। मेरे और तुम्हारे होंठों के बीच ये सिगरेट क्यों? जब जला ही लिया है तो इसे खत्म ही कर दूं। उठो ना। इतनी भी क्या बेसब्री है सीता? ओहो, आने में दो दिन देर हो गई तो इतने नाराज? लेकिन आज मैं तुम्हें नाराज होने नहीं दूंगी, प्लीज। हर खत में तो लिखते थे कि सीता तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, सब सुना सुना लगता है। आओ ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो सो जाओ। कब से मिलन की लगन लगी, कब से मिलन की लगन लगी, सारे बदन में अगन लगी, और ना तरसा मुझ पे प्यार बरसा, ओ पिया ओ पिया।
तक सहो, कब तक सहो, तुझसे ना कहूँ तो मैं किससे कहूँ, तुझसे ना कहूँ तो मैं किससे कहूँ, कब से मिलन की लगन लगी, सारे बदन में शायद कभी भी नहीं सो सकूंगा। What nonsense? मेरे पास आ जाओ। मुझे समझने की कोशिश करो सीता। मेरे दिल पे एक ऐसा बोझ है जो शायद कभी भी खाली नहीं हो सकेगा। मैं बहुत परेशान हूं सीता, बहुत परेशान हूं, लेकिन लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, कुछ नहीं बता सकता। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या हो गया है तुम्हें सतीश? मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं? मैंने कहा ना सीता, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। कुछ भी नहीं समझा सकते? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे नहीं कह सकते? क्या ऐसी भी कोई बात हो सकती है जो एक शोवर अपनी बीवी से ना कह सके? आखिर ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझे नहीं बता सकते? सीता, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ सीता, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं गिर गया हूं सीता, गिर गया हूं। क्या? हां सीता, तुम्हारे जाने के बाद तन्हाई से मैं घबरा गया था, मेरे कदम बहक गए थे सीता, मैं एक बाजारी औरत के साथ सो गया। ये तुम क्या कह रहे हो? हां सीता, ये सच। तुम एक बाजारी औरत के साथ सो गए थे? तुम इतने गिर गए सतीश? यही तो मेरी बदकिस्मती है सीता। ये तुम्हारी नहीं, मेरी बदकिस्मती है। तुमने मेरे सारे सपने मिट्टी में मिला दिए। मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप घर बार सभी रिश्ते नाते तोड़ दिए, सिर्फ तुम्हारे लिए सतीश, क्योंकि क्योंकि तुमने मुझे विश्वास दिलाया था, और आज तुमने उसी विश्वास का अपने हाथों खून कर दिया। मुझे माफ कर दो सीता। मत लगा मुझे। अगर मैं कहूं कि मैं भी किसी पराए मर्द के साथ सो चुकी हूं,
तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? सब मत करो सीता, वरना मैं पागल हो जाऊंगा सीता, पागल हो जाऊंगा। हाथों में हथकड़ी पहना तो सिन्हा, इन्हीं हाथों से बहन को विदा करने के कितने अरमान थे दिल में। आज मैं इन्हीं हाथों को तुम्हारे हवाले करने आया हूं। लेकिन क्यों, तुमने ऐसी कौन सी गलती की है, कौन सा जुर्म किया तुमने? एक ऐसा जुर्म जिसकी कहीं माफी नहीं है। वासना के झोंके में बहकर मैंने अपनी हस्ती खेलती गृहस्थी तबाह कर ली। एक शादीशुदा आदमी होकर मैंने अपनी सीता जैसी पत्नी को छोड़कर अपनी जिस्मानी भूख किसी गैर औरत के प्यार में मिटानी चाहिए। सपना की बात कर रहे हो? तुम्हें कैसे मालूम? पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे हो? मुझ पे विश्वास रखो सीना, मैंने कोई खून नहीं किया। मेरी जिंदगी, मेरा घर, रीतु की खुशियां, ये सब तुम्हारे हाथ में है। वो सब चीज तुम सपना के प्यार में खोए हो सनीश, घर की इज्जत, बहन का सुख, बीबी का सुहाग। कानून जज्बात के धारे में नहीं बहता है, इंसाफ की सिर्फ एक ही कसौटी है और वो है सबूत। तो फिर मैं ये समझ लूं कि मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं? रास्ता है। अगर तुमने ये खून नहीं किया है तो मुझे यकीन है इस खून के पीछे जॉनी पॉल का हाथ होगा, क्योंकि किसी जमाने में वो सपना के इश्क में अंधा था। तो फिर आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? उसी कोशिश में हूं। यकीन जरा सबूत की शक्ल अख्तियार कर ले, वो सबूत जो अभी तक तुम्हारे खिलाफ है। इससे पहले कि पुलिस तुम पर हाथ डाले, मुझे जॉनी पॉल को गिरफ्तार करना होगा। तब तक तुम यही आराम करो। जब तक मेरे दिमाग में कश्मकश जारी है, मेरी जिंदगी में आराम कहाँ? हमारी जिंदगी में आराम ही आराम है सेन साहब। जॉनी कभी नहीं रोता, ना तो किसी की मौत पर और ना ही अपनी मौत के ख्याल पर। जॉनी सिर्फ हंसना जानता है। क्यों डालेंगे? अल्बर्ट। यस सर। सेन साहब के लिए ड्रिंक लाओ। नो थैंक यू, मैं ड्यूटी पर शराब नहीं पीता। ड्यूटी खत्म होने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। 10 मिनट बाद जितनी चाहे पिला देना, मेरे पास परमिट है। ठीक है सेन साहब, 10 मिनट बाद ही सही। चीयर्स बेबी, चीयर्स। लेकिन सेन साहब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आज आप इतना खुश क्यों हैं? पूछो पूछो, जरूर पूछो। बहुत जल्दी ही मुझे तरक्की मिलने वाली है। हाँ। ओह वेरी गुड वेरी गुड। किस कारनामे के लिए?
तुम्हारी पुरानी दोस्त सपना के खूनी को पकड़वाने के लिए। क्या सपना का खूनी पकड़ा गया? बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। इंस्पेक्टर सिन्हा तुम्हें ही तलाश कर रहे हैं। अच्छा, तो आप उन्हें फोन क्यों नहीं कर देते कि मैं यहाँ पर हूँ? बहुत खूब, मैं टेलीफोन करने जाऊं और तुम यहाँ से उड़न छू हो जाओ और तुम्हारा व्हिस्की का बिल मुझे ही देना पड़े। घबराओ नहीं सेन साहब, मैं खुद ही उन्हें फोन किए देता हूँ और व्हिस्की का बिल भी मैं ही दे दूंगा। यू कैरी ऑन। हेलो। हेलो, इंस्पेक्टर सिन्हा है जी? वो बाहर गए हैं। बाहर गए? आपकी तारीफ। मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ। हम भी उनके दुश्मन नहीं हैं। खैर, जब सिन्हा साहब आए तो उनसे कह दीजिए जॉनी का फोन था। जॉनी? क्या कहा? जॉनी, जॉनी पॉल। और सुना है आजकल सिन्हा साहब को हमारी तलाश है, अगर वो चाहें तो होटल हिलटॉप में मिल सकते हैं। हमें जरूर कह दूंगा। पुष्टि हो भैया कहा है? नौकर पूछता है साहब कहा है? पुलिस पूछती है सतीश गुप्ता कहा है? और मैं खुद जानना चाहती हूँ मेरा सुहाग कहा है। भाभी, भैया इस मुसीबत में कभी भी ना फंसते। अगर तुम कुछ दिन पहले घर आ जाती। कुछ दिन पहले आ जाती, मैं क्यों नहीं जाती? मैं ये ना करती, मैं वो ना करती, जैसे सारा दोष मेरा ही है। ये मैंने कब कहा भाभी? काश मेरी दिल की हालत भी कोई समझता। मैं समझती हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। रितु, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कहीं की भी न रहूंगी। भैया को कुछ नहीं होगा भाभी, कुछ नहीं होगा। वो बहक जरूर सकते हैं, लेकिन किसी का खून नहीं कर सकते। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं उन्हें बचाने के लिए क्या करूं, किसके पास जाऊं? तुम मेरे साथ चलो। कहां? तुम चलो ना मेरे साथ। जॉनी खामखा पुलिस से उलझ रहा है। वो चाहता है कि मेरा नाम मिट्टी में मिल जाए और हमारी शादी ना हो। मैं जॉनी को जानती हूँ, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसे आपके नाम को भट्टा लगे। तुम जॉनी को जानती हो लेकिन पुलिस को नहीं। ये मत भूलो डार्लिंग, जॉनी मेरा भाई है, पुलिस के हाथों से उसे बचाना ही पड़ेगा। फिकर मत करो, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। पुलिस के हाथों में आने से पहले वो हमारे हाथों में आ जाएगा। राणा साहब, जॉनी आपके शेक में आपका इंतजार कर रहा है। तुम जाओ, मैं अभी आता हूं। मैं भी चलती हूं। नहीं, तुम्हें देखकर वो और भड़क जाएगा। मैंने सोचा है कि किसी बहाने उसे हिंदुस्तान से बाहर भेज दूं। मैं अभी आया। Thank you.
भाभी बहुत परेशान है, आपको पता भैया कहाँ है? अब क्या बताऊं तुम्हें, भाई साहब यहाँ आए थे, मैंने उन्हें सख्त ताकीद की थी कहीं नहीं जाने को, इसके बावजूद मालूम नहीं कहाँ चले गए। भैया वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गए हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं बेमौत मारी जाऊंगी। उन्हें कुछ नहीं होगा भाभी, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे सुहाग की रक्षा करना मेरा धर्म है। हरामजादा कुत्ता, मैं तुम तब से निपट लूंगा। बकवास बंद कर। जाने जाने, मैं बकवास सुनने का आदि नहीं हूं, मेरी शर्त मान लो वरना फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिए जाओगे। बिना इल्जाम के राणा चौधरी, इल्जाम गढ़ने में देर क्या लगती है? तुम्हारी शर्त क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम हिंदुस्तान से बाहर चले जाओ, इसका मैंने इंतजाम कर दिया है, ताकि तुम मेरी बहन से शादी कर सको। राणा चौधरी जाने का जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। मरने के बाद तो हो सकता है। तब तो हम दोनों इकट्ठे मरेंगे चौधरी। चूंटी की शामत आती है तो उसके पर निकलते हैं। खत्म कर दो इसे। जानी, अब तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगे, हाँ? अंगूठी किसकी है? मेरी है। तेरी नहीं, तेरे बाप की है। Thank you.
जॉनी को लेके भाग जा। तो आप जॉनी को गिरफ्तार करके लाए, सोचते हैं मेरा काम बहुत आसान हो गया? तुम्ही ने तो कहा था कि जॉनी सपना का खूनी है। तो क्या मुझे गिरफ्तार करने के लिए तुमने मेरी जान बचाई है? हाँ जॉनी, तुम्हें गिरफ्तार करने से हमारी मुश्किलें आसान नहीं हुई हैं। भाई साहब, हम अब भी अपनी मंजिल से उतने ही दूर हैं जितना पहले थे। मैं कुछ समझा नहीं। इंसान सोचता कुछ और है, होता कुछ और। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि सपना 2 महीने की गर्भवती थी। नो इंस्पेक्टर, सपना गर्भवती नहीं हो सकती। नहीं जॉनी, इस रिपोर्ट ने तुम्हारे केस को एक नया मोड़ दे दिया है और अब तुम बेकसूर साबित हो गए। जॉनी बेकसूर? ये नहीं हो सकता। अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारे पास तो मेरे खिलाफ बहुत सबूत हैं। भाई साहब, मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मगर आपने मेरी इजाजत के बगैर इस घर से बाहर जाकर अच्छा नहीं किया। मैं आपको दोबारा फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो यहीं रहिए, और आप जॉनी साहब जरा मेरे साथ चलिए, आपको मैं अपनी कलाबाजी दिखाता हूं। आइए। कांग्रेचुलेशंस राणा चौधरी, शादी मुबारक हो। माफ कीजिएगा, इस बार मैं कुछ तोहफा तो नहीं ला सका हूं, मगर खाली हाथ भी नहीं आया हूं। जॉनी आ गया। जॉनी, लेकिन आपने तो बताया था कि आपने जॉनी को पेरिस भेज दिया है। हाँ, कोशिश की थी लेकिन पेरिस नहीं, ऊपर भेजने की। बकवास बंद करो। ये बकवास नहीं है, ये सच है राणा साहब। इसका सबूत आपके सामने। मेरा वक्त जाया करने का खूब मौका ढूंढा है तुमने। मैं ड्यूटी के रास्ते में वक्त, जगह है या आदमी की परवाह नहीं करता हूं। जानते हो किसके मुंह लग रहे हो तुम? जानता हूं, इंसान के रूप में छुपे हुए खूंखार भेड़िए के मुंह लग रहा हूं मैं। सपना के खून के जिम्मेवार आप है। उस बेचारी के पेट में पाप का बीज पनप रहा था क्योंकि आपने उसे शादी का झूठा वादा किया था, जैसा कि आप इस वक्त लता से कर रहे हैं। राणा साहब, न जाने कितनी मासूम लड़कियां उन्हीं झूठे वादों का शिकार होकर शहर के पिंजरों में जाकर बैठ गई है। अगर इंसाफ की तराजू मेरे हाथों में होती तो आप जैसे लोगों को उन्हीं पिंजरों में बंद करके दुनिया को दिखाता कि इंसानों में एक ऐसी जानवर कौम भी है। बंद कर रही भाषण। अगर तुम्हारी बकवास में कुछ सच्चाई है तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? इसलिए कि कल तुम एक मोटी रकम खर्च करके जमानत पर छूट जाओगे सेठ राणा चौधरी। लेकिन यह मेरा वादा है कि जिस दिन भी तुम पर अपना हाथ डालूंगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकेगी। फॉलो मी। भैया, भैया। लता, भाई और बहन के रिश्ते में अभी भी एक दीवार है। यस, देखा राणा साहब, अगर बरातियों की लिस्ट में मेरा नाम होता तो आज जो आपके साथ हुआ है वो कभी ना होता। तुम्हें यहां भी किसने बुलाया है? चला जाता हूं। ठहरो, आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। राणा साहब, मैंने तो पहले ही कह दिया था, कल आपको मेरी जरूरत थी, आज आपको मेरी जरूरत नहीं है, कल फिर आपको मेरी जरूरत होगी। वो कल आज आ गया राणा साहब।
इंस्पेक्टर सिन्हा ने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे खत्म कर देगा। राणा साहब, पुलिस का काम है लोगों को धमकाना, मगर हमारा काम है ना धमकना। क्या भगते हो? मैं ये सोच रहा हूं कि वो कर क्या सकता है। ये मत पूछिए कि वो क्या कर सकता है, ये पूछिए कि वो क्या नहीं कर सकता। आपको तड़ी पार करवा सकता है, जेल भिजवा सकता है, फांसी लगवा सकता है। तो मेरी मदद करने आए हो या मेरा मजाक उड़ाने? राणा साहब, सतीश गुप्ता के नाम के वारंट निकले हुए हैं, मगर इंस्पेक्टर सिन्हा उसे गिरफ्तार नहीं करवा रहा है। क्या ये मजाक नहीं? हमें तो अब ये सोचना है कि इंस्पेक्टर सिन्हा का अगला प्लान क्या होगा। इंस्पेक्टर सिन्हा का अगला प्लान है मुझे नौकरी से निकलवाना, इसलिए कि वो खुद ना पकड़ा जाए। आपको ये ख्याल नहीं आया कि इंस्पेक्टर सिन्हा खुद भी तो कातिल हो सकता है? हैं? ये क्या कह रहे हो तुम? उसने केस के सारे सबूत और फाइल अपने पास क्यों मंगा लिए? ये तुम्हें कैसे मालूम? लोगों की खबर पुलिस को रहती है और पुलिस की खबर मुझे रहती है। लेकिन पहले आप ये बताइए कि आप कातिल को पकड़कर अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं या नहीं? जब कातिल ही बच गया तो नौकरी कैसे बचेगी? तो फिर सुनिए, इंस्पेक्टर सिन्हा ने सारी जिम्मेवारी आपसे ले ली है। अब इंस्पेक्टर सिन्हा की सारी जिम्मेवारी मैं ले लेता हूँ। वो जहां जहां चलेगा मेरा साया भी साथ होगा। मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन मुझसे नहीं हो सकेगा। इसके अलावा मेरे पास खूनी को पकड़ने का और कोई चारा नहीं है। आप यहां से फौरन जाइए और बाकी इंतजाम मुझ पर छोड़ दीजिए। लेकिन ये सब मुझसे कैसे होगा? होगा, आपसे ही होगा, जरूर होगा। लेकिन बाहर जाना खतरे से खाली नहीं, पुलिस मेरा हर जगह। उसका इंतजाम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, रास्ते में आपको कोई नहीं रोकेगा। जाइए। सीता, लाइट ऑफ कर दो। सीता, सतीश, सतीश, तुम कहां चले गए थे? सतीश, मुझे छोड़कर कहां चले गए थे? मैं अपने आप से भाग रहा था सीता, मैं तुमसे, कानून से भाग रहा था। तो क्या सच है
तुमने उस लड़की का खून भी किया है? नहीं सीता, ये बिल्कुल गलत है। मैं निर्दोष हूँ, मेरे हाथ किसी के खून से रंगे हुए नहीं। मेरा गुना सिर्फ बेवफाई है, जिसकी इतनी भारी सजा मिली है मुझे। सीता, मैं कानून की नजरों में मुजरिम नहीं, अगर मुजरिम हूं तो सिर्फ तुम्हारी नजरों में। ऐसा मत कहो सतीश, तुम्हारे जुर्म में मेरा भी कसूर है। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा यहाँ ना रहने का एहसास तुम्हें किसी दूसरी औरत के प्यार में डाल देगा। मुझे तुमसे इतनी दूर नहीं रहना चाहिए था सतीश। अगर तुम गिरे हो तो इस गिरावट के जिम्मेवार मैं हूं। सीता, तुम कितनी महान हो। वादा करो सतीश, जब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूँ सीता, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये दूरी हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मेरा साथ देना होगा सीता। भाई साहब, नाटक खत्म हो गया।
क्या हुआ? बाल बाल बच गए उस्ताद, उन्होंने लड़की की जगह पुतला रखकर मुझे रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश की, मगर हम भी तो आपसे कुछ सीखे हैं। Damn it! सतीश कहाँ है? सब काम अपनी प्लान के मुताबिक होता चला जा रहा है। जब बाल यहाँ सही सलामत पहुंच गया तो खाल भी तो पीछे आती होगी। हाजर है। शाबाश, तुम्हें जो सिखाया था तुमने खूब सीखा। बहुत दिनों से पुलिस को तलाश थी इसकी, होश में आने से पहले से पुलिस के हवाले कर दो, वहां भी इनाम मिलेगा और यहां भी। हजूर वहां तो मिलेगा, पहले इधर तो मिल जाए। इनाम से ज्यादा मुझे तुम्हारी हिफाजत की फिक्र है, जाओ अपने कपड़े बदल लो। हजूर मैंने बदल लिए, इनाम? मैं कभी किसी को उधार नहीं रखता। सपना को मेरी जिंदगी से हटाकर जो तुमने मुझ पर एहसान किया है उसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। बोलो, तुम्हें चेक चाहिए या कैश? हजूर ये भी तो आपसे सीखा है कि हर पेमेंट कैश लेनी चाहिए। खूब सीखा है तुमने, तो ये लो कैश। सरकार ये भी आपसे सीखा हूं कि दुश्मन की पिस्तौल में खाली कारतूस कब और कैसे डाले जाते हैं। सरकार ने अपने शागिर्द को तो सब कुछ सिखा दिया, मगर खुद ये सीखना भूल गए कि एक दिन हर शागिर्द हर उस्ताद से बढ़ जाता है। लीजिए अब मैं देता हूं आपका इनाम। टाइगर। यस सर। ओके सर, सरकार आपके हुक्म के मुताबिक सारा काम हो गया। मेरा इनाम? तुम्हें इनाम कैश नहीं, हार्ड कैश दिया जाएगा। थैंक यू सर। देर से आया हूं मगर दुरुस्त आया हूं, आपके ही कुत्ते के सहारे पहुंचा हूं आप तक। जहां पर एक प्राइवेट डिटेक्टिव का प्लान खत्म होता है वहां पर एक पुलिस डिटेक्टिव का प्लान शुरू होता है। मतलब? मतलब साफ है, कातिल आप है। कातिल मैं नहीं इंस्पेक्टर साहब, कातिल वो है। कातिल वो नहीं है कन्हाई साहब, कातिल आप है। इस केस में पुलिस से बढ़कर कातिल ने खुद इंटरेस्ट लिया था। कातिल खून के दूसरे दिन सपना के बेड पर मौजूद था। यही नहीं, उसने सतीश के खिलाफ एक बहुत जरूरी सबूत पुलिस को पेश किया, इतना तक कि जब मैं सपना के फ्लैट में तहकीकात कर रहा था कातिल दीवार के पीछे से मेरी तहकीकात कर रहा था, हालांकि उसे नहीं मालूम था कि मैंने उससे भी बढ़कर ड्रामा खेला था। मैंने सतीश के खिलाफ एक वारंट जारी किया क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था सतीश के गिरफ्तार होने में कातिल से ज्यादा और कोई इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर सतीश पकड़ा जाता तो कातिल बेकसूर छूट सकता था, जरूर छूट सकता था। इसलिए मैंने उस ड्रामे में हल्की सी रद्दोबदल की और उसे खूबसूरत मोड़ पर लाके छोड़ दिया। मैंने सतीश और उसकी बीवी को सपना के फ्लैट में भेज दिया क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कातिल इस सुनहरे मौके का फायदा जरूर उठाएगा। वो सतीश को दो दो खून के इल्जाम में रंगे हाथ पकड़वा देगा, जबकि कातिल खुद दो दो खून के इल्जाम में फंस गया। एक सपना का खून और दूसरा राणा चौधरी का। इसका सबूत? सबूत ये है। आज तुम्हारा असली रूप दिख गया। मोती! Oh,
भाई निकल गया। अच्छा तुम उनका पीछा करो, मैं इन सबसे निपट लेता हूँ। Thank you.
भाई साहब, आपकी जब भाभी जी महके जाएं, तो आपके कदम नहीं बहके, और भाभी जी आप भी जब महके जाएं, तो ज्यादा दिन नहीं रुके, क्योंकि मन का मिलन, तन का मिलन उतना ही जरूरी, एक पल जुदा न रहना मुश्किल, जुदाई सहना कदम बहक जाए कितनी भी ठीक नहीं दूरी, जितना जरूरी मन का मिलन, तन का मिलन